Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here and this video I'm making for all CS newly qualified executive students. Those who are newly qualified to CS executive students. In this video, I'm going to discuss everything about CS executive in great details. ठीक है कि executive में कितने papers हैं, हर paper का क्या USP रहने वाला है, ठीक है, सारे subject का pass percentage का rank लाने का criteria सब मैं discuss करूंगा. आपको registration कब तक करवा लेना चाहिए, tuitions कब ले लेना चाहिए, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन ग्रेट डिटेल्स इन दिस वीडियो. 15-20 मिनट आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपसे कोई भी भूल चूक ना हो. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द रैंक होल्डर्स इन टूडेज रिजल्ट. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सीएस फाउंडेशन का रिजल्ट आया अलॉन्ग विद सीएसईटी, तो सीएसईटी में तो बच्चों ने एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस किया ही है, लेकिन सीएसईटी में इंस्टीट्यूट जो है रैंक्स अलॉट नहीं करता, बट सीएस फाउंडेशन में करता था और करता है. ठीक है, सीएस फाउंडेशन में, हालांकि ये लास्ट बड़ा टर्म था सीएस फाउंडेशन का देखा जाए तो, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन टू सीएसईटी नाउ, बट फिर भी मैं आपको प्राउडली ये बता दूं कि अभी तक एमईपीएल में, अभी तक जितना हमें अभी तक स्टूडेंट्स ने कॉन्टेक्ट किया है, 10 स्टूडेंट्स का हमारे यहां पर ऑल इंडिया रैंक रहा है. सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ एमईपीएल हैव बैग्ड ऑल इंडिया रैंक एंड ऑब्वियस बात है ये नंबर जो है कल तक बढ़ जाएगा क्योंकि और बच्चे कांटेक्ट करेंगे हमें. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी रैंक लाया और जिन्होंने भी मेहनत से पासिंग मार्क्स भी हासिल किया उनके लिए भी राउंड ऑफ अप्लॉज. ठीक है, और जो बच्चे बाय चांस ईईटी या फाउंडेशन में प्लक हो गए आप हमें मेल करिए, जो भी हमसे बन सकेगा हम आपके लिए करेंगे. ठीक है, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज है, कोई दिक्कत नहीं, हताश मत होना अगर आप नहीं इस बार क्लियर कर सके तो. ठीक है, सो ये रहा ऑल द एआरस इन टुडेज फाउंडेशन रिजल्ट. ये 7-8 बच्चे जो हैं इन्होंने हमसे सारे सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस लिए थे और जो रिमेनिंग बच्चे हैं उन्होंने हमसे, ये 3 स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज के लिए जो है लिया था और इन सभी बच्चों को मैंने पर्सनली भी कॉन्ग्रेचुलेट किया कॉल करके. 10 के 10 रैंकर्स जो हैं बहुत खुश हैं और सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने अपने माता पिता को प्राउड महसूस करवाया. ठीक है, और इन 10 के 10 को मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और ये 7 तो अपनी पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट्स जो है इन्होंने स्टडी किया था और ये 3 बच्चों ने हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज किया था एंड यूट्यूब वीडियोस एंड रिवीजन वीडियोस जो है इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा काम आया. चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव. आइए, सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या सिलेबस है, मैं आपको सब बारीकी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए. पहला चीज, इसमें आपको कोई भी देरी नहीं करना चाहिए, सीएस एग्जीक्यूटिव में तुरंत आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए इंस्टीट्यूट में. लास्ट डेट है 31st of January, तो मेक श्योर आप 31st January के पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें. अब आप पूछेंगे सर 31st January किसके लिए, सर June 21 में एग्जाम देने के लिए कि December 21 में एग्जाम देने के लिए कि June 22 में एग्जाम देने के लिए. भाई अगर आप 31 January 2021 तक आप ICSI में रजिस्टर करवा लेते हो, 31st January को मत करवाना भाई, कम से कम 25, 26, 27 January को करवा लेना, नहीं तो लास्ट मिनट में हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, टेक्निकल ग्लिच आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्लीज 25, 26, 27 तक करवा लेना. तो सर 31st January तक हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन करवाएं, इफ यू रजिस्टर टिल 31st January, इससे क्या होगा, आप June 21 में 1 मॉड्यूल के एलिजिबल हो जाएंगे, December 21 में आप दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मॉड्यूल मतलब ग्रुप. तो सीएस एग्जीक्यूटिव जो है ना उसमें 8 पेपर है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 मॉड्यूल्स ऑफ 4 पेपर्स ईच. मॉड्यूल 1 में 4 पेपर रहेगा, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर. तो अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं 31st January तक, June 21 में आप 1 मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, December 21 में आप दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू एनरोल बिफोर 31st January. क्या देना चाहिए 1 मॉड्यूल की 2 मॉड्यूल वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इतना समझ लो. सर अगर June 22 में देना है तो रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या दिक्कत है, रजिस्ट्रेशन करवा करके रख लो, June 22 में आप दे देना, बट वो एडवाइजेबल नहीं रहेगा कि June 22 में देना, भाई इतना लेट क्यों. ठीक है सर, सर अब आप हम लोग को पहले सिलेबस के बारे में बताइए. ठीक है, बट सर उसके पहले हम लोग का एक और क्वेरी है. ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे 31st January तक ICSI में, आपके यहां पर हम लोग रजिस्ट्रेशन कब करवाएं, मेरे यहां पर तो ऑलरेडी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन जो है समझ लो धड़ल्ले से करवाना चालू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि वैलिडिटी जो है उनको मिल रहा है 9 months का, 1 year का. तो जब 9 months और 1 year तक का वैलिडिटी है तो ऑब्वियस सा बात है यार, why to delay? हमारे यहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कोचिंग आपको मिल जाएंगे एक्सेप्ट टैक्स पेपर,
टैक्स पेपर का भी हम लोग जो है जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करने का चेष्टा कर रहे हैं, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ एज ऑफ टूडे आप ये 7 के 7 सब्जेक्ट 700 नंबर MEPL में ले सकते हैं, जिसमें से मैं खुद आपको भयानक लेवल का क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। 640 मार्क्स पूरा मेरे हाथ में रहेगा और यही कारण है कि हम लोग का एग्जीक्यूटिव भी इतना जबरदस्त सक्सेसफुल रहा है दुनिया भर का रैंक, तो चाहे वो लास्ट टर्म में ऑल इंडिया रैंक 3 हो, लगातार सिंगल डिजिट रैंक पिछले 2-3 टर्म से MEPL से ही आ रहा है। इसका वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। अब सर एक मॉड्यूल देना चाहिए कि 2 मॉड्यूल देना चाहिए? सर सर ये भी हम लोग को क्लैरिफाई कर दो, फिर आप सिलेबस के बारे में बता देना। देखो बेटा देखो, जैसे से फॉर एग्जांपल आज ही मेरा बात हो रहा था बहुत जन से, इनमें से बहुत सारे रैंक होल्डर्स से बात हो रहा था, तो चिराग से भी मेरा बात हुआ, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 3 इन्होंने हासिल किया है और रैंक 3 तो आ जाए है, बट मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव का पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, इन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव का ट्यूशन मेरे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का ले लिया है और ऑलरेडी ये जबरदस्त स्पीड से ही हैज स्टार्टेड। वैसे ही इनमें से बहुत सारे जन ऐसे हैं, लगभग 90% स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशंस एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशंस फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। तो सर हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल। और सर एग्जाम कब देते सर? जून 2021 में देकर के सल्टा देते हैं सर। देखो भाई मेरा अगर एडवाइस मानोगे तो ऑलरेडी आपको क्लास स्टार्ट करते करते समझ लो 20-25 जनवरी हो जाएगा, ठीक है, और जून फर्स्ट से आपका एग्जाम रहता है, तो आपके पास बचेगा फरवरी मार्च अप्रैल में 4 months बचेगा, 4 महीना बचेगा, 4 महीना आपके पास बचेगा। और अगर आप मेरा सजेशन मानो तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूं कि भाई अगर आपका एम रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक लाना एम है, सर क्या बात कर रहे हैं, हमारा स्कूल लेवल पर रैंक नहीं है, आप सर ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहे हैं, भाई नहीं है तो आएगा ना, अब मैं हूं ना आपके साथ, जिसका रैंक नहीं आया होता है उसका आने का प्रोबेबिलिटी रहता नहीं है क्या? बिल्कुल रहता है, बल्कि 75% ऑफ रैंक होल्डर्स जो रहते हैं उनका पहले कभी रैंक नहीं आया हुआ रहता है, ऐसे रहते हैं। बड़ा सोचोगे तब बड़ा बनोगे, हमेशा ही छोटा सोच रखोगे तो कैसे बड़ा बनोगे? बड़ा बनने का पहला स्टेप ही है कि बड़ा सोचो। तो 2 मॉड्यूल देने का एडवांटेज क्या है? दोनों ग्रुप देने का एडवांटेज है, ऑल इंडिया रैंक। दूसरा एडवांटेज क्या है? सेट ऑफ, सेट ऑफ करके पास हो जाना। से फॉर एग्जाम्पल आपका एक मॉड्यूल में 220 मार्क्स आया, दूसरा मॉड्यूल में 180 मार्क्स आया, ठीक है, एक मॉड्यूल में मैंने कितना पेपर बताया? 4 पेपर बताया था, 400 नंबर का, 50% एग्रीगेट में पास होना है। एक पेपर में 100 में 40 लाने से पास हो जाओगे, बट हर एक पेपर में 40 आएगा तो पास नहीं होगे, क्योंकि मॉड्यूल वाइज 50% लाना पड़ेगा। जैसे मॉड्यूल में 4 पेपर है तो 4 पेपर है तो 40 40 40 चारों में पास, लेकिन मॉड्यूल में फेल। क्लियर है सर? तो सर मॉड्यूल में कितना लाना पड़ेगा? 50%, मतलब 400 नंबर का एक मॉड्यूल है तो उसका 50% 200 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अच्छा समझ गए सर, 50 50 50 50 चारों पेपर में, नहीं नहीं नहीं, 40 आ गया पेपर 2 में, 40 आ गया पेपर 3 में, से फॉर एग्जांपल आपका 60 आ गया पेपर 4 में, 60 आ गया तो 60 60 120 प्लस 40 प्लस 40 200 पास हो जाओगे। अब ध्यान से सुनो, दोनों मॉड्यूल देने से क्या फायदा होता है? एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपका 220 आ गया, दूसरा मॉड्यूल में आपका 180 आ गया, 200 नहीं आया, फिर भी दोनों को जोड़ करके देखा जा रहा है कितना आ रहा है, 220 प्लस 180 400 पास कर दिए जाओगे, दोनों मॉड्यूल पास कर दिए जाओगे। मतलब यहां जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आया, इट विल मिटिगेट द शॉर्टफॉल ऑफ द सेकंड ग्रुप एंड सेट ऑफ करके दोनों मॉड्यूल पास हो जाओगे। तो दोनों ग्रुप देने का फायदा क्या है? सेट ऑफ बेनिफिट रहता है, ऑल इंडिया रैंक का बेनिफिट रहता है, ठीक है, और प्रिपरेशन का टाइम आपको काफी मिल जाएगा, रादर देन 4 months आपको मिल जाएगा सीधा। और दिसंबर में पता है कब एग्जाम होता है? 20 तारीख के बाद होता है, 20 तारीख के बाद, मतलब समझ में आ रहा है, 3rd-4th week ऑफ दिसंबर, और जून में 1st June से ही है। तो अगर हम लोग यहां से काउंट करें तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में एग्जाम दोगे तो 4 महीना एक मॉड्यूल का, लेकिन अगर आप दिसंबर में एग्जाम देंगे तो देखो वही आपका 9-10 महीना हो जाएगा। देखो कैसे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का भी, भाई दिसंबर का भी 20 दिन, तो समझ लो आपके पास यहां से अप्रोक्स 11 months रहेगा। तो 4 महीना में आप एक ग्रुप प्रिपेयर करें कि 11 महीना में आप 2 ग्रुप प्रिपेयर करें, और 2 ग्रुप प्रिपेयर करने का फायदा है सेट ऑफ एंड ऑल एंड रैंक। डिसएडवांटेज क्या है दोनों ग्रुप का, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। डिसएडवांटेज ये रहेगा कि जिन लोग प्रेशर में चोक डाउन हो जाते हैं, जरा सा भी प्रेशर उनको बर्दाश्त नहीं है, इनडिसिप्लिन है बहुत, या नहीं दोनों अलग अलग चीज है, या तो प्रेशर में बहुत ज्यादा चोक डाउन हो जाते हैं, या फिर चलो प्रेशर झेल लेते हैं बट
दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट है, बहुत इनडिसिप्लिन है, एकदम आवारागर्दी करने वाला बच्चा है, देन इन दैट केस वो दो मॉड्यूल नहीं संभाल सकेगा साथ में। तो आप पहचानो कि आप क्या हो। आप छोटा छोटा चीज में पैनिक कर जाते हो, पैनिक अटैक्स जैसा आ जाता है, घबराहट बहुत जल्दी हो जाता है, तब आप एक ग्रुप के लिए बने हो। आप इनडिसिप्लिन हो, एकदम इनडिसिप्लिन हो, कोई लाइफ में डिसिप्लिन का कोई नामो निशान नहीं है, तब आप एक ग्रुप के लिए बने हो, या फिर हो सकता है एक भी ग्रुप के लिए नहीं बने हो। तो भाई प्रोफेशनल कोर्सेज है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो एक्साइट करता है यार अपने को, और मैं तो हूं आपके साथ। ऐसा नहीं कि आप पेनड्राइव या गूगल ड्राइव या मोबाइल ऐप में मेरे से क्लास कर रहे हैं तो आप दूर बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं हूं आपके साथ। हर संडे मैं आपके साथ लाइव क्वेरी सेशन में जुड़ता हूं। यूट्यूब में मोटिवेशन रहता है, तो मोटिवेशन का काम, क्वेरी सॉल्व करने का काम, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अच्छे से कंसेप्ट समझा करके, घोल करके, याद करवा करके, ULR, अंडरस्टैंड लर्न रिवाइज करवाना, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरा काम है, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आप खाली मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करो, CS बनाना मेरा जिम्मेदारी है, मेरा गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है, सारा टेंशन मेरा। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे खाली पढ़ना है। और ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूं 10-12 घंटा पढ़ना है, नहीं, एक दिन में अगर आप 6-7 घंटा पढ़ लोगे हो जाएगा, 6-7 आवर्स, दैट्स इट, इंक्लूडिंग द वीडियोस आई एम सेइंग, 6-7 आवर्स आप पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई ये सिलेबस में बात करते हैं। एडमिशन हम लोग के यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टेड है, जैसा मैंने आपको बताया धड़ल्ले से लोग एडमिशन ले रहे हैं, आप भी फटाफट एडमिशन ले लो, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लाइव क्लास फेस टू फेस कब होगा? सर फेस टू फेस, देखो भाई आपको मैं जो भी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ वो आपके टर्म के लिए फुल्ली अमेंडेड है, यहां से और कोई भी अगर अमेंडमेंट्स है, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने जो एडिशन किया था वो भी मैंने अपने लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, यहां से अगर फर्दर कुछ अमेंडमेंट्स आएगा वो मेरा जिम्मेदारी है, वो आपको नहीं मांगना पड़ेगा, आप तक कैसे भी करके पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है, आप तक पहुंच जाएगा, ओके सर। और सर जिन लोग कलकत्ता हावड़ा में रहते हैं, आसपास सबर्ब्स में रहते हैं, उन लोग बोल रहे हैं सर फेस टू फेस आकर के पढ़ेंगे, आप लोग पेन ड्राइव गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप ले लो, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने कुछ परमिशन वगैरह दिया या मैंने अगर फेस टू फेस चालू किया तो सब्जेक्ट टू सीट्स अवेलेबिलिटी मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दूंगा, उसका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा, बट सब्जेक्ट टू सीट्स अवेलेबिलिटी। चलो अब आओ जिस काम के लिए उसको डिस्कस करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस। ऑब्वियस बात है आप न्यू के लिए ही है, मॉड्यूल 1 में टोटल कितना पेपर है? 4, ठीक है। 4 पेपर में सबसे पहला पेपर है आपका पेपर 1, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। क्या बोले सर? जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, प्यार से बोलते हैं JIGL, JIGL, जूरिस्प्रूडेंस JI, इंटरप्रिटेशन जनरल GL से लॉ, JIGL। ये फैंटास्टिक पेपर है JIGL, एंड वन ऑफ द बहुत ही इजीएस्ट पेपर है, ठीक है। और इसमें बहुत मजा आता है जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ में, जैसा नाम से पता चल रहा है आपको कानून क्या होता है वो पता चलेगा, लॉ का सोर्स क्या है वो पता चलेगा। डेमो वीडियो अगर आप देखना है JIGL का, सोर्सेज ऑफ लॉ फर्स्ट चैप्टर है, यूट्यूब में डाला हुआ है, 3 क्लास है, आप खाली पहला क्लास देख लो, सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ मोहित अग्रवाल लिखना आपको दिखाई देगा। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान, सिविल प्रोसीजर कोड कब लागू होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब लागू होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ये सब आपको इस पेपर में जानने मिलेगा JIGL के अंदर। सेकेंड पेपर जो आपका बाहुबली पेपर है, कंपनी लॉ, जिसके कारण कंपनी सेक्रेटरी को पहचान मिलता है, कंपनी लॉ है तभी कंपनी सेक्रेटरी है, बिना कंपनी लॉ के कंपनी सेक्रेटरी का कोई भी पहचान नहीं है। सो कंपनी सेक्रेटरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर रहता है वो कंपनी लॉ। इसमें पूरा का पूरा हम लोग को द कंपनीज एक्ट 2013 अच्छे से चार जाना है, ठीक है। JIGL के ऊपर मैं आपको 2 मैट दूंगा, एक मेरा मेन मैट और एक वर्कबुक जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं चैप्टर वाइज। कंपनी लॉ में आपको टोटल 4 मैट मिलेंगे, ठीक है, चारों बेहतरीन मैट रहेंगे, ये 4 में से 3 मैट मल्टी कलर्ड रहेंगे और JIGL का 1 मैट मल्टी कलर्ड रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स वाला जो मैट रहता है वो मल्टी कलर्ड नहीं रहता, प्रोविजन वाला मैट हम लोग मल्टी कलर देते हैं सारा। JIGL का प्रोविजन वाला मैट मल्टी कलर्ड रहेगा। मल्टी कलर्ड से क्या फायदा है भाई, पढ़ने में बहुत मजा आता है यार, अलग ही चार में। कंपनी लॉ में अगेन मल्टी कलर्ड मैट्स रहेंगे, पूरे चार्ट्स, ताकि इतना बड़ा लॉ आपके दिमाग में समा सके, प्रोविजन रहेगा, चार्ट्स, डायग्राम्स, एवरीथिंग। क्वेश्चन आंसर्स का अलग से वर्कबुक है। तीसरा पेपर आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। अब इसके अंदर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर के अंदर कंपनी लॉ का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो आप कंपनी लॉ पेपर 2 पढ़ोगे ना, समझ जाना वो 100 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, लगभग 160 नंबर के लिए पढ़ रहे हो, 160, बिकॉज SBC के अंदर 60 मार्क्स कंपनी लॉ ही है। तो कंपनी लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2 पेपर के लिए पढ़ेंगे, कंपनी लॉ का पेपर और एक SBC का पेपर। इसमें SBC में क्या है, धंधा करते कैसे हैं, धंधा खोलते कैसे हैं, धंधा बंद कैसे करते हैं, देखो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर, वाइंडिंग अप वगैरह भी है। तो ये हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। SBC के अंदर भी मेरा अलग से 2 मैट है,
ठीक है, एक मल्टी कलर्ड और एक वर्कबुक क्वेश्चन आंसर वाला। टैक्स लॉ फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। फिलहाल हम लोग टैक्स लॉ नहीं, ये तीनों पेपर हम ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट क्वालिटी का एश्योरेंस है मेरा, आप एग्जाम दो आपका जबरदस्त, ऐसे ही तो नहीं आ जाता ना भाई, दुनिया भर का रैंक्स वगैरह जो लास्ट तीन टर्म से लगातार सिंगल डे रैंकर है उसका कोई ना कोई कारण है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, ये मॉड्यूल वन का चार पेपर हो गया, ठीक है, मॉड्यूल टू के अंदर जो चार पेपर, अच्छा मॉड्यूल वन का चार पेपर समझ में कौन कौन सा है, JIGL कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड चैप्टर सोर्सेज ऑफ लॉ, फिर तो कंपनी लॉ और SBC भी बल्क पोर्शन कंपनी लॉ का ही है, और उसमें चौथा पेपर है टैक्स। अब हम लोग मॉड्यूल टू का अगर बात करें तो मॉड्यूल टू के अंदर भी आपका चार पेपर है। मॉड्यूल टू के अंदर जो चार पेपर है उसमें से सबसे पहला पेपर है यानी पेपर फाइव दोनों ग्रुप में, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। अब ये कंपनी का अकाउंट्स है, ये नॉर्मल अकाउंट्स नहीं है, नॉर्मल अकाउंट्स नहीं है भाई, इसमें बहुत बहुत कंपनी लॉ का ज्ञान चाहिए, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कंपनी लॉ का ज्ञान चाहिए इसलिए मैं पेपर जो है डेलीगेट नहीं करता, ये मैं पेपर खुद ही पढ़ा था कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जबरदस्त इसमें कॉर्पोरेट के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये तभी आ सकते हैं जब आपको कॉर्पोरेट के सेक्शंस आते हो, नहीं तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट पेपर आता है आपका सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, SLCM, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट बोल करके, इसमें पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है स्टॉक मार्केट का, पूरा स्टॉक मार्केट का लॉ आपको इसमें घोल करके पिलाया जाता है। बहुत टेक्निकल पेपर है लेकिन बहुत मजा आता है ये वाला पेपर में। और एक इजी पेपर है लेकिन ये लेंथी है बहुत, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है, कुछ कुछ आपने पढ़ भी रखा होगा। इसके अलावा इसमें RBI एक्ट भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, तो ये इकोनॉमी के बारे में जो लॉ होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका कैसे जाए उसका कानून, मतलब इकोनॉमी को सुधार कैसे किया जाए उसके लिए जो जो लॉ बनाए गए हैं वो है। बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब भी इसके अंदर है 100 मार्क्स का। इसके ऊपर भी हम लोग का 2 मैट है, SLCM के ऊपर भी 2 मैट है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर हम लोग का 3 मैट है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है अगेन ये FMSM के नाम से जाना जाता है, जिसमें फाइनेंस का पार्ट 60 मार्क्स का है जो हमारे दूसरे फैकल्टी लेते हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है SM वो मैं लेता हूं 40 मार्क्स का, ठीक है, जबरदस्त मजा आता है, स्ट्रेटेजीज वगैरह कैसे बनाया जाए, मतलब पूरा धंधा करने का तरीका सिखाया जाता है, ठीक है। तो SM के अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हमारे 2 मैट है, FM के भी 2 मैट है, तो अगर आप मैट्स का बात करें पूरा एग्जॉस्टिव है, सुपर्ब है। JIGL का 2 मैट हो गया, कंपनी लॉ का 4, ठीक है, SBC का 2 हो गया, कितना हो गया भाई, 2, 4, 6 और 2, 8, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 3, 11, फिर 2, 13, फिर 2, 15, फिर SM का 2, 17 और FM का 2, 19, 19 एग्जॉस्टिव मैट्स आर देयर, ओके। और इस बार मैं सोच रहा हूं और एक लॉ का ई बुक भी दूं, ई बुक, ये 19 मैट्स आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, कोरियर जाएगा, और एक ई बुक हो सकता है अलग से मिल जाए जब बाद में प्रिपेयर हो, अभी 19 एग्जॉस्टिव मैट्स आर देयर फॉर यू इन हार्ड कॉपी, ठीक है, और एक मैट मेरा कंपनी लॉ का ई बुक चल रहा है, वो ई बुक आपको PDF मोड में मिलेगा, उसका हार्ड कॉपी हम लोग नहीं देंगे, तभी तो नाम क्या ई बुक है। तो ये 19 एग्जॉस्टिव मैट्स है जो आपको मिलेंगे, क्वालिटी वाइज बेस्ट है भाई, ठीक है, मोर देन 300 लेक्चर्स आर देयर, तो आप समझ सकते हो आपको कितना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, मोर देन 300-350 लेक्चर्स आर देयर, तो यू नीड टू स्टार्ट नाउ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, लास्ट में टेस्ट सीरीज भी होता है, मैराथॉन्स भी होता है, इनफैक्ट कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा जो व्यूज मिला है वो आप लोग के आशीर्वाद से हमारे कंपनी लॉ मैराथन को मिला है, SLCM मैराथन को भी लगभग वैसे ही व्यूज मिले हैं, EBCL का मैराथन डाला गया था, हर एक सब्जेक्ट का ही लगभग मैराथन डाला गया था, और जबरदस्त रिस्पॉन्स आया हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है, और मतलब कोई डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट, जस्ट गो फॉर इट, आई एम देयर फॉर यू, आपका एग्जीक्यूटिव का जिम्मेदारी मेरा है। फीस वगैरह जानने के लिए आप जो है हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है आप जाइए वेबसाइट पर www.mohitagarwalclasses.com, तो mohitagarwalclasses.com में आप जाकर के अपना CS एग्जीक्यूटिव का बुकिंग कर सकते हैं। कितना मंथ का आपको लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको 9 मंथ्स जो है, 9 मंथ्स 1 ईयर, ठीक है, 9 मंथ्स या फिर 1 ईयर का लेना चाहिए वो बेस्ट है, ठीक है, या तो 9 मंथ्स का लो या फिर 1 ईयर का लो, बेस्ट रहेगा 1 ईयर का लो। फीस वाइज जो है हम लोग जो क्वालिटी दे रहे हैं उस हिसाब से, हम लोग के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से फीस जो है कम है, बिल्कुल इससे कम फीस में भी आपको हो सकता है मार्केट में क्लासेस मिल जाए, बट फिर से वो बच्चों को हो सकता है क्लासेस फिर लेना पड़े, तो ऐसा काम मत करिएगा, नेवर कम्पीट ऑन प्राइस, ऑलवेज कम्पीट ऑन क्वालिटी, ये हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ रखे हैं अगर आपको याद हो तो,
ठीक है दोस्तों, चलो और आप हमें मेल कर सकते हैं d2hclasses@mohit.com, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं. वी आर देयर टू हेल्प यू. टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू सीएस एग्जीक्यूटिव. और जाते जाते मैं एक खुशखबरी और दे देता हूं आपको, इसमें से तीन पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न रहता है रे बाबा. मतलब खुशखबरी ये जो 800 नंबर है इसमें 500 सब्जेक्टिव है, पूरा लिखना पड़ेगा. 300 मार्क्स प्योर एमसीक्यू, प्योर एमसीक्यू 100% एमसीक्यू. कौन कौन सा? टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएमएसएम, यानी तीनों जो प्रैक्टिकल पेपर है ऑलमोस्ट, हालांकि उसमें थ्योरी का पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है. तो टैक्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएमएसएम, ये तीनों आपका एमसीक्यू पेपर है. नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता. चलो थोड़ा राहत मिला सर, थैंक यू. मिलते हैं आपसे एग्जीक्यूटिव में. चलिए बाय बाय. वेट मत करिएगा क्लासेस लेने का, फटाफट ले लीजिए.